कोरोना संक्रमण से बचाने वाली वैक्सीन का टीकाकरण 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी उपलब्ध हो गया है। जबलपुर में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए 178 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 68 शहरी क्षेत्र में और 110 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। प्रतिदिन 25,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए वैक्सीन की डोज का इंतजाम भी कर लिया गया है। बुधवार को प्लेन के माध्यम से कोरोना वैक्सीन जबलपुर भेजी जा चुकी है, जिसे सभी टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीकाकरण केंद्रों में अपनी टीम तैनात कर दी है। पहले ही दिन 25,000 से ज्यादा लोगों ने COVID-19 ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण के लिए भी पहुँच गए हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए यह माना जा रहा है कि टीकाकरण का लक्ष्य जल्द हासिल कर लिया जाएगा। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के निर्णय के बाद अब जिले में कुल 7.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाना है, जिसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया जा चुका है। जबलपुर में बड़ी तादाद में साधु संतों ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना वैक्सीन अब आवश्यक हो गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को, भले ही कोमॉर्बिड हो या ना हो, वैक्सीनेशन लगेगा और इसके लिए जबलपुर जिले को 25,000 डोज का आज टारगेट दिया गया है। इसके लिए 68 जो सेंटर्स हैं वो जबलपुर सिटी में बनाए गए हैं और 110 सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इस तरह 178 सेंटर्स पे टीकाकरण का कार्य आज होगा और इस टारगेट को हमको आज अचीव करना है। और जिस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसमें ये टारगेट मुझे लगता 5 बजे के पहले ही पूर्ण हो जाने की पूरी संभावना है। और इस वैक्सीन से किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट अभी तक सुनने नहीं मिले हैं। अनुरोध है सभी से अधिक संख्या में, चूँकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बचाव का यही एक तरीका है और मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसी से हम कोरोना से बच पाएंगे। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।